कश्यप ने जो त्याग किया समाज के लिए, उस त्याग के नाम पर लोगों ने उनका समर्थन किया है। और रही बात लोगों का विरोध करने का, तो विरोध करने वाला तो अपना बाप का भी विरोध करता है। क्रांतिकारियों का दूसरा घर होता है जेल। कहा जाता है कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, डरना नहीं है। भगत सिंह भी जेल गए थे। तो बता देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप भाई को आतंकवादी सबसे नवाजा है, कोई है, नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए कि जूता पैर में अच्छा लगता है, सर पे टोपी अच्छा लगता है। बोलते लालू यादव, लालू लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता जाइए ना, अगर तेजस्वी में दम है तो उसको निकलवा के रख दीजिए, मुख्यमंत्री नहीं बने। मनीष कश्यप की मां की एक तस्वीर दिखाऊंगी जिसे देखकर आप भी रो पड़ेंगे। मनीष कश्यप को आतंकी किसने कहा? मनीष कश्यप को आतंकी बताने वाले विरोधियों पर मनीष के समर्थकों ने कैसे किया पलटवार? मनीष कश्यप के समर्थकों का नहीं थम रहा गुस्सा। बिहार सरकार पर निकाली भड़ास। किसने कहा तेजस्वी यादव को कि क्या आपको मनीष से लगता है डर? किसने पूछा 10 लाख नौकरी कब दोगे सरकार? बताऊंगी आपको पूरी कहानी विस्तार से, बने रहिए वीडियो के अंत तक। ले चलूंगी एक ऐसे स्कूल में जहां बच्चों ने मनीष कश्यप के लिए किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप हो जाएंगे हैरान। बताऊंगी आपको पूरी इनसाइड स्टोरी, तो देर किस बात की है, चलिए चलते हैं अपने इस खास शो के सफर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ बबली। इस शो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप इंडी टाइम्स को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम की नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। एक खास बात, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप सभी तो हैं जो हमारे हौसलों को उड़ान देते हैं, तभी तो हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की चाहत में लगे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस खास शो के सफर पर। हमने रविवार को आप सभी से कहा था कि इंडी टाइम्स आपको मौका दे रहा है एक दिन का पत्रकार बनने का। आपसे हमने वीडियोस मैसेज करने को भी कहा था और हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आए भी हैं जिनमें बिहार निवासी रविंद्र कुमार के वीडियोस को सेलेक्ट किया गया है। इंडी टाइम्स की तरफ से रविंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी इस प्रोग्राम में एक दिन के लिए पत्रकार बनना चाहते हैं तो अपना वीडियो हमें भेजें, हम आपके वीडियो को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, हमारी मेल आईडी है helpline@indietimes.in। आप अपनी वीडियोस हमें इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। मनीष कश्यप की मां एक बेहद भावुक तस्वीर में आजकल वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। मनीष की मां इस तस्वीर में मनीष के लिए रोती दिखाई दे रही हैं और उनके पास बैठे लोग उन्हें हिम्मत देते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए ये तस्वीर। विरोधियों ने मनीष कश्यप को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया है, जिसके बाद गुस्साए मनीष के समर्थकों ने भी मनीष के विरोधियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। अरे झोपड़ी वाले,
वो आतंकवादी है। आतंकवादी जानता है किसको कहा जाता है? उस शेर को तू आतंकवादी कह रहा है जो दहाड़ के पूरे देश में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया, वो आतंकवादी हो गया। मुकदमा लिख दिया गया, इतने सारे फर्जी मुकदमे लिख दिए, बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया, एक मनीष भाई को लपेटे में ले लिया गया। सरकार दो दो सरकारें की सरकारों की पुंगी बजा के रखा है। वह जब मुकदमा लिखा गया तो वह अपने मर्जी से जाके गिरफ्तारी दिए कि उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। बता ना, है तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया बताएगा? वह व्यक्ति खुद गया, जाके थाने में अकेले बैठा था, वहां पुलिस भी नहीं थी। देखा था, तुम्हें दिखाई दिया था दोगला? दरअसल मनीष कश्यप को आतंकी कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वही निशांत वर्मा है जिसने मनीष के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, और समय समय पर मनीष कश्यप के खिलाफ जहर उगलता रहता है। इससे भी सब इनका मन नहीं भरता तो मनीष के समर्थकों को भी भर भर कर कोसते हैं। वैसे ये खुद को समाज के सेवक बताते हैं, वैसे समाज में बुराई दूर करने के लिए बहुत काम है। मनीष के समर्थक बताते हैं कि समाज की भलाई कम, मनीष कश्यप की मुश्किलें कैसे बढ़ाए, इस पर इनका फोकस रहता है। वैसे मनीष की लोकप्रियता से बहुत लोगों को दर्द डिस्को होता है। जब सत्ता में बैठे लोगों को मनीष से दिल लगी इतनी हुई कि मनीष की मुश्किलें देखकर आपको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। अब निशांत वर्मा मनीष की तरह बन नहीं पाए तो मनीष की मुश्किलें खड़ी करती। आज हमारे समाज के बीच का एक लड़का पर अगर अन्याय हो रहा है तब नहीं लड़े, उसके लिए लड़ेंगे। हाँ, न्यायालय न्यायालय जिस दिन तय करे, न्यायालय तय करेगा तब ना। न्यायालय कुछ कहवे नहीं किया, बहुत सारे अभागा लोग उसको आतंकवादी कह रहे हैं, तो वैसे वैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि कानून से डरो, वो कानून का शिकंजा तुम पर भी कस सकता है। किसी को आतंकवादी कहना इतना बड़ा मानहानि का केस ठोकाएगा कि होश नहीं ठिकाना रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाने वाले विपुल चौधरी भी मनीष के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बिहार सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बस करिए सरकार, जिस दिन युवा जाग गए तो जयप्रकाश का आंदोलन याद है ना, तख्ता पलट दिया जाएगा। मुकदमा करके उसकी प्रतिभा को दबाया गया है तो समझ लीजिए कि ये सरासर गलत है। गलत इस प्रकार से है कि वो युवा बिहार को बदलना चाहता था, वो युवा मजदूरों की आवाज उठाया था, वो युवा बिहारियों की आवाज उठाया था, और बिहारियों की आवाज उठाने वाले युवा पे आप देशद्रोह लगा दिए तो समझ लीजिए कि आप युवाओं से जलते हैं, आप युवाओं की प्रतिभा पे कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को बस निवेदन करेंगे कि बस करिए, नहीं तो ये युवा जिस दिन जगेंगे तो वो जयप्रकाश का आंदोलन हमको याद आ रहा है, वैसे तख्ता पलट के रख दिया जाएगा। बिहार के जितने बुरी मानसिकता से ग्रसित नेता हैं जो बिहार को लीड कर रहे हैं, सबको पलटने का काम ये युवा कर देंगे, इसीलिए कहना है संभल जाइए। मनीष कश्यप के जेल जाने से नाराज एक युवक ने कहा कि मैं भी यादव हूँ लेकिन मैं तेजस्वी यादव को वोट नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव इतने ही वादों के पक्के हैं तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा जो किया था वो पूरा क्यों नहीं करते? मनीष के इस फैन ने बिहार सरकार को जमकर कोसा। आप भी देखिए, मनीष कश्यप को मान के चलिए जो जेल भिजवाया, जो हर कुछ करवाया, तो ये मत समझिए कि मान के चलिए कि वो लड़का है एक जीरो लेवल, आप समझिए कि एक जीरो लेवल से उठे और वहाँ तक पहुँचे, और लोग जब देखे कि जब वो लड़का पहुँच गया, स्ट्रगल करके आया, अब हम पर दबदबा डालेगा तो उसको हटा दिया जाता है, ये बिहार का नियम है। और मैं जातिवाद बात नहीं करता हूँ, मैं भी बिलोंग जाति यादव जाति से करता हूँ। मैं तेजस्वी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी नेता का विरोध कर रहा हूँ, जो जायज़ बात है वो बोल रहा हूँ मैं। अगर तेजस्वी में दम है तो उसको निकलवा के रख दीजिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। और मान के चलिए अगर तेजस्वी में दम है, अगर अपने जुबान पर पकड़ रहता है तो 10 लाख युवा का रोजगार दे, कहाँ चला गया रोजगार? 10 बरस से लड़का अपने पटना में तैयारी कर रहा है, यहीं पर अपने माँ बाप का पैसा, वो मान के चलिए किसी का पिता पलायन करके चेन्नई कमाता है, किसी का दुबई कमाता है, और पैसा कमा कमा कर अपने बच्चों के एक रुपया के लिए खर्चा देता है, नहीं देता है और देता है। अब मान के चलिए मंत्री के बेटा, वो क्या जानेगा गरीबी का हाल? जो गरीबी से गुजरा है वो ना गरीब का हाल समझ सकता है या फिर कुछ कर सकता है? चलिए, अब आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर जाऊंगी जहां पर मनीष कश्यप के सपोर्ट में बच्चे नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बच्चों को मनीष कश्यप से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। मनीष कश्यप के बारे में बताएं
जो कि एक बार यहाँ स्कूल में आए। यहाँ पे आए थे क्या वो? जी हाँ, एक बार यहाँ पे आए और बच्चों लोगों को कॉपी पेंसिल वितरण किए थे। चाहते हैं क्या तुम लोग मनीष कश्यप को जानती हो? हाँ जानते हैं, जानते हैं। कैसे तुम लोग कैसे जानती हो मनीष कश्यप को? वो एक बार आए थे और हम लोगों को कॉपी और पेंसिल दिए थे, वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। क्या चाहती हो तुम? क्या नाम हुआ तुम्हारा? श्वेता कुमारी। तुम मनीष कश्यप को जानती हो? हाँ जानते हैं। कैसे? वो एक बार हम लोग के स्कूल में आए थे और हम लोगों को कॉपी और पेंसिल दिए थे। अच्छा, तुम सभी बच्चे लोग क्या मनीष कश्यप को जानते हो? अच्छा बताओ, मनीष कश्यप कैसे इंसान है? बहुत अच्छे हैं। मनीष कश्यप अभी भी तमिलनाडु जेल में बंद है। उनके चाहने वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों का कहना है कि मनीष बिहार की उम्मीद है और जब भी वो लौट कर आएंगे तो बिहार में बाहर आना तय है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इन द टाइम्स। पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।